G20 की मीटिंग्स कश्मीर में करवाए जाने की खबर से अभी पाकिस्तान उस सदमे से निकला नहीं था कि अब भारत ने चाइना को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। भारत सरकार ने G20 की मीटिंग से संबंधित एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है, जो दर्शाता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी कितने अग्रेसिव तरीके से चला रहा है। भारत के इस डिसीजन से चाइना को बड़ी आपत्ति हो सकती है। जैसा कि हम सबको पता है, इस साल का G20 समिट होस्ट किया था इंडोनेशिया ने, और उसी इवेंट में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई थी। आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर को G20 का प्रेसिडेंट बनेगा, और उसके बाद फिर भारत में प्रेसिडेंट होने के नाते सारा ऑफिशियल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। भारत पहली बार G20 का प्रेसिडेंट बना है, वो भी ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया दो खेमों में बंटी है। ऐसे में पूरी दुनिया को लीड करने और अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने का ये भारत के पास बहुत ही अच्छा मौका है, और G20 के प्रेसिडेंट रहते हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का सबसे बड़ा दावेदार है। अब हुआ क्या कि भारत को अगले साल नवंबर में G20 2023 का समिट करना है, लेकिन उससे पहले G20 सदस्य देशों की भारत में कई सारी मीटिंग्स होंगी। अगले साल नवंबर में जो मेन इवेंट होगा उसको अटेंड करने के लिए G20 ग्रुप के जितने भी देश हैं उन सब के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स अपने अपने डेलीगेशन के साथ भारत आएंगे। वो वाला जो मेन समिट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली राजधानी न्यू दिल्ली या फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हो सकता है, लेकिन बीच में जो ये एक साल होगा इस दौरान G20 ग्रुप की कुल 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत में होनी है। ये सारी मीटिंग्स भारत को होस्ट करनी है। इनमें G20 सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर और कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। इनमें से ज्यादातर मीटिंग्स होनी है मिनिस्ट्री लेवल की, जिसमें G20 सदस्य देशों के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी लेवल के इंटर गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। भारत ने इसको लेकर फैसला किया है कि ये जो 200 से ज्यादा इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग्स भारत करवाने जा रहा है, ये सारी मीटिंग्स केवल राजधानी न्यू दिल्ली तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि पूरे भारत की कुल 55 लोकेशंस में वेन्यू सेट किया जाएगा, और फिर G20 देशों के मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आएंगे। अब ये जो 55 लोकेशंस हैं, इनमें हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को भी इंक्लूड किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। वो तो चलो पाकिस्तान है, लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि ये जो 55 लोकेशंस हैं जहां पर G20 की मीटिंग्स होनी है, इनमें नॉर्थ ईस्ट और खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत जो नॉर्थ ईस्ट में G20 की मीटिंग्स होस्ट करने जा रहा है उसमें मिजोरम की राजधानी ऐजवाल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईटानगर के अलावा नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। श्रीनगर तो चलो ठीक है, उसको लेकर पाकिस्तान का विरोध है, लेकिन पाकिस्तान तो G20 का सदस्य देश भी नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अगर भारत सरकार ने G20 मीटिंग करवाने के बारे में सोचा है तो ये साफ तौर पर चाइना को मैसेज देने के लिए है, और ये दलाई लामा को शरण देने के बाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा बोल्ड मूव होगा। चाइना क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है और अपने मैप में इंक्लूड भी करता है, इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत सरकार सच में अरुणाचल प्रदेश में G20 की इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग करवाती है या फिर नहीं, और अगर करवाती है तो क्या चाइना उसको बॉयकॉट करेगा या फिर नहीं। अभी कंफर्मेशन तो खैर आई नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। मगर आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग्स करवानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।